गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप लोग का स्वागत है हमारे दूसरे ब्लॉग में जो छठ के दूसरे दिन स्टार्ट होता है। अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं और ये लड़का प्रिंस जो सोए ही नहीं, हम लोग कुछ काम कर रहे थे और एडिटिंग में भी टाइम लग गया। तो कोई काम था, बस काम था सुबह का 2:30 बजे तो वीडियो डाला, उसके बाद भी कुछ काम था हम लोग को। और हम लोग को अभी सुबह चार बजे जाना पड़ रहा है कहीं। वो भैया बताएंगे, भैया कहाँ जाना है अभी? अभी इतना सुबह क्यों? बाद में ज्यादा भीड़ हो जाता है। अच्छा, और ये भैया देखे, भैया जो सुबह सो के उठे तो इनका तो दम पूरा मूड फ्रेश पे। और ये देखे भाभी, ये तो और 9 ही बजे सो गए, खाए और सो गए, पूरा गजब का मतलब नींद लिए। हम लोग मेहनत किए हैं और ब्लॉग देख के खुश होंगे। सो अभी थोड़ा टाइम के लिए अब बाहर मिलते हैं हम लोग। सुबह का 4 बज रहा और जा रहे हैं हम लोग गेहूँ पिसवाने, जो कि छठ के प्रसाद बनेगा इससे। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है। ठंड बहुत लग रहा है, ठंड बहुत है। गांव का एरिया है क्योंकि पॉल्यूशन यहाँ बहुत कम है, इसलिए ठंड ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। ये जो चाचा हैं, हर साल ये 3 बजे आ जाते हैं छठ में, और 3 बजे से ही ये आटा पीसना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छे हैं और आज के ये सेवा सबके लिए फ्री करते हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। हेलो गाइस, आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है जिसे हम खरना कहते हैं। और आज के दिन प्रसाद बनता है, छठ का प्रसाद आज का ही दिन बनता है और मिट्टी के चूल्हे के ऊपर बनता है, जो मम्मी इधर बनाई हुई है, तो हम आज उसी को लेने आए हैं और इसी के ऊपर आज प्रसाद बनेगा। वो बंटी मेरा भाई और मम्मी, यहीं से हम सबको ले जाना है चूल्हा, तो चलते हैं। इससे क्या हुआ बंटी, क्या हुआ इससे? आम की लकड़ी से आज वो घड़ी आ गई है हमारे घर में। और
आज प्रसाद हम बना रहे हैं फर्स्ट टाइम और बहुत मजा आ रहा है बनाने में। और हम आप सबको आमंत्रित करते हैं हमारे घर आइए और प्रसाद का ग्रहण करें। हम क्या क्या बनाए हैं जो हम आपको दिखाते हैं। प्रसाद का दाल बन चुका है तो चलिए दिखाते हैं। देखिए ये दाल है, हम इसे आम के लकड़ी से करते हैं, ये शुद्ध माना जाता है हमारे यहाँ, तो हम इसी से इसे चलाते हैं और अच्छे शुद्ध तरीके से बनाते हैं इसको। उसके बाद अब हम अरवा चावल का भात बनता है, उसके ऊपर चावल देते हैं और एक पूरी बनेगा। ठीक है, अभी हमें बहुत काम है इसलिए हम बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अपना लोकट मार्केट नुरसराय, यहीं से सारा सामान लिया जाता है और ज़रूरत का हर सामान यहाँ मिल जाता है। बहुत जरूरी है बनाना है बस। लड्डू आई करते आई करती बेटा। हम लोग लगा लिए हैं। लगा लिया तो खेती कथे जी आइए इधर इधर ये अभी एंट्री करते हैं हम लोग भैया के रूम में। ये भैया और ये मेरी नई नई ब्लॉगर भाभी आई है, यही इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये भैया हैं और ये इनका बेटा लड्डू, देखे इनको। और ये मेरी बड़ी भाभी और ये इनको तो जानते ही हैं, ये पुन्नू। और ये देखे ब्लॉगिंग, ये यूट्यूबर का जिंदगी यही है, जो एनी टाइम वीडियो रहना चाहिए भाई, वीडियो तो रहना जरूरी है। कैम देखे फोन में, फोन ले रखे और कैमरा चालू है इनका। और ये सारा, ये मेरी दीदी जो खाना बना, अरे यही है भाई, यही है जो है, यही सब कुछ करी है। हम बहुत थक गए हैं लेकिन फिर भी बहुत काम बाकी है। दही दही बिना नाना।
चाहिए वाला अच्छा भाग तुम खाना सुबह से लेकर आ रहे हैं पहले वाइड एंगल से और ये तकरार होता हुआ दिस इज माई मदर यही मेरी मम्मी है छोटकी अब बड़ी की मम्मी कहाँ है भोपटी है और ये मेरी बड़ी की मम्मी है और ये भोपटा है भोपटा ये भोपटा आज का ब्लॉग यहीं तक था अब हमारे वीडियो को देखो और मजा आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब हम लोग एडिट करेंगे आज बहुत ज़्यादा अच्छा चुके हैं बहुत क्योंकि आप जानते हैं कल भी नहीं सोए थे सुबह 4 बजे काम करना पड़ा अब हम लोग नाचते हैं आप लोग मजा